ब्रदर कल मैं आपको सुनाया था कि कौन व्यक्ति क्या कर्म करने से किस नरक में जाता है। अब आज में इक्कीस नरकों का नाम बताया था आपको। आज जो है भगवान गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि शुद्ध जी कहते हैं कि इस प्रकार वर्णन सुनकर गरुड़ पीपल के समान कांपने लगे और उन्होंने मनुष्यों के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, मनुष्य जाकर जानकर अथवा अनजाने में पापों को करके यम की आसना न पावे, ऐसे कौन से उपाय किए जाते हैं। ऐसे हमसे पाप हो जाए जाने में अनजाने में, हम यमराज की आसना न भोगें, तो इसका यहाँ पर उपाय कौन सा है कि हम ऐसा उपाय करें कि जो पाप न लगे। भगवान कहते हैं, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासना वाले, नष्ट आत्मा वाले को उद्धार के लिए स्वामीन पुराणों में जो निश्चित उपाय बतलाए गए हैं उन्होंने कहिए, जिससे मनुष्य सदगति को प्राप्त होता है, जो पापों से छूट जाए और सदगति को प्राप्त हो। ऐसा कहने पर श्री भगवान ने गरुड़ जी से बोले कि तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छी प्रश्न किया, बड़े अच्छा बात पूछा है। अब मैं तुम एकाग्रचित होकर के सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। जिसके पास पुत्र नहीं है उसकी दुर्गति न हो, उसके लिए उपाय बता रहा हूँ। पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि किसी धर्म के विरोध में पुत्र की उत्पत्ति न हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए अत्यंत साधन करते हैं। पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं कि भक्ति पूर्वक सत्चंडी यज्ञ कराना चाहिए, हरिवंश पुराण सुनना चाहिए और भक्ति भावना से शिव आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे, ऐसा उपाय करना चाहिए। पुत्र पुत्रानक नरक से पिता को बचा लेता है। अगर पुत्र है तो माता पिता कितना बड़ा पापी हो वो सत्कर्म करके बचा लेता है। एक भी धर्मात्मा पुत्र कुल को तार देता है, जिसे प्रहलाद जी ने सारे राक्षस जातियों को तार दिया था। इसी प्रकार से उत्तम पुत्र का महात्म्य वेदों में कहा हुआ है, इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पितृ का मुख देखने से भी पिता जो है पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। स्पर्श से मनुष्य तीन प्रकार के ऋणों से छूट जाता है। पुत्र को छूने से तीन प्रकार का ऋण हट जाता है। लोकों का उल्लंघन करने पर भी पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मोड़ा पुत्र कहा जाता है, ब्रह्म स्वरूप होता है। वह पुत्र ऊर्ध्व लोक स्वर्ग लोक आदि पहुंचा देता है। संग्रहित अर्थात बिना विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति को नरक में पहुंचाता है। इस तथ्य को जानकर मनुष्य हीन जाति की कन्या से विवाह का
त्याग करे हे गरुण, स्वर्ण स्त्रियों में वर्ण स्त्रियों में पतियों से जो स्वर्ण और अस्वर्ण पुत्र उत्पन्न होते हैं वो ही श्राद्ध दान पितरों का स्वर्ग पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है, यही नहीं अपितु प्रेत भी पराये के लिए श्राद्ध स्वर्ग को एक कहा गया है कि उसे भी सुनने से प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है, अपरलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। इतिहास कहता है कि हे गरुण, त्रेता युग में सुंदर महोदरपुर में अति बलवान और धर्म में निष्ठावान बहुमान नामक राजा था और विधिवत यज्ञ करता था, दान देता था, लक्ष्मीवान ब्राह्मणों को भक्त साधु का प्यारा और चरित्र आचरण का गुणों से युक्त दया तथा दाहिन से युक्त धर्म में अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करता हुआ वह दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म को तत्पर रहता था। किसी समय महाबलायन वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था, उसमें नाना प्रकार के पक्षी कल कल कर रहे थे। राजा के वन में दूर से एक मृग देखा, राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा और वह मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर से गिरते स्थल को देखते हुए वह राजा ने हिरण का पीछा किया और उसी प्रसंग से दूसरे वन में चला प्रवेश कर गया। भूख प्यास से कंठ वाले और श्रम के संताप से अर्धमूर्छित राजा ने एक जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया, कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस भगवान राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूहों से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा और सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताखा के समान प्रतीत होता रहता था। उसी मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्धनिंद्रित हो गया और उस राजा ने क्षुधा तृप्त से पीड़ित बिखरे वालों वाले विकिल इंद्रियों वाले मैले कुचवले और कुबड़े अत्यंत भयानक लंबे और दुर्लभ एक प्रेत को देखा। जब उस बट वृक्ष के पीछे नीचे सो गया हो तो स्वप्न में एक जो है प्रेत को देखा, विस्तृत और घोर प्रेत राक्षस को देखकर भगवान बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और गरुण उस समय प्रेतराज का राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ परम गति को प्राप्त हुआ हूँ। हे महाबाहो, आपके संयोग से आज अति धन्य हुआ। राजा ने कहा कि हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के द्वारा पाया? ऐसा प्रेत क्यों बना? तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था? ऐसा कहने पर प्रेत उवाच, प्रेत बोलता, हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? तुम्हारा प्रेतत्व किस दान से दूर होगा? और तुम प्रेत बने हो तो मैं ऐसा कौन सा दान करूं जिससे तुम प्रेत से छूट जाओ? प्रेत ने जवाब दिया कि राजा श्रेष्ठ, मैं तुमसे आज से अंत तक सब कहता हूं और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब पापियों से पूर्ण वैदिक नाम एक राजा वैदिक नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से सुवर्णित है और भवनों और प्रसादों से शोभा से युक्त है, नाना प्रकार के स्रोत स्पर्श आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पूर्व में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था।
मैं जाति का वैश्य हूँ, मेरा नाम सुदेव है और यह आप जाने, मैं हविष्यवान से देवताओं और कव्यवान से पिंडदान देकर पितरों को संतुष्ट करता था। मैंने नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करता था और अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार के अन्न दिए। हे राजन, मेरा वह सब सुकर्म देव योग्य से निष्फल हो गया। जिस प्रकार से मेरा सुकृत निष्फल हो गया, मैं उसे कहता हूँ, मेरे संतत बांधव मित्र, आज ऐसा कोई नहीं है जो मेरी अधोर गति क्रिया करे। हमारे पास कोई पुत्र भाई बंधु नहीं है, इसलिए हमारा जो है मरने के बाद जो क्रिया होती है, क्रिया कोई न कर सका। हे महाराज, खोटस मासिक श्राद्ध जिसका नहीं होता है, उसका प्रत्युत सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं होता है। खोटस मासिक उसको बोलते हैं जो मैं बोला था वहाँ 16 पिंड हुआ होगा प्रयागराज में, वही को खोटस मासिक बोलते हैं, इसलिए मैं कहा था कि वहाँ करा देना उसको जाकर। इससे हे राजन, मुझे तारे हैं, आपको मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सदगति हो जाए। उस प्रेत ने कहा, हे प्रभु, अगर पुत्र जिसके पास नहीं है उसका क्रिया राजा भी कर सकता है, इसलिए आपके करने से हमारा प्रेतत्व तो नष्ट हो जाएगा। मैं आपको एक मणि देता हूँ जिससे मेरी सदगति हो और प्रेत की योनि छूट जाए, ऐसा कार्य करें। हे वीरवाहन, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। प्यास और भूख आदि दुखों से कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दुख दे रहा है। प्रेत योनि में मनुष्य के जाने पर उसको पानी नहीं मिलता, मुँह बंद हो जाता है, खाना नहीं मिल सकता, वो भूख प्यास से व्याकुल होकर के रुधिर मांस को खाने के लिए दौड़ता रहता, वो भी नहीं पाता। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल और शीतल जल और प्यासा होकर भी उस जल को नहीं पी पाता हूँ। मैं जल के पास जाता हूँ तो मेरा मुंह बंद हो जाता है, ऐसा बता रहा है। हे राजन, यदि मेरी अधोगति क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियाँ भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय ही मेरा पितृत्व तो नष्ट हो जाएगा। निसंदेह ही वेद मंत्र तप दान तथा सब जीवों पर दया उत्तम शास्त्र को सुनना, सज्जनों की संगति, विष्णु भगवान की पूजा से ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए ही होती है। इसलिए इस समय गर्म पुराण या जितना आप क्रियाएं किए हैं, अब कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उनसे जो है प्रेतत्व नष्ट हो जाता है, स्वर्गति प्राप्त होती है। प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण मां और मानसिक स्वर्ण लेकर हे राजन, उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनवानी चाहिए सोने की, और उस प्रतिमा को दो पीले कपड़ों से आच्छादित और अब आभरणों से सुशोभित करें और अनेक प्रकार के संत तीर्थ के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करें, पूजन करें। उस स्वर्णमय प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर भगवान रहते हैं, दक्षिण में मधुसूदन भगवान होते हैं और पश्चिम में वामदेव भगवान होते हैं और उत्तर में गदाधर भगवान होते हैं और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर को स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। तब दक्षिणा करके अग्नि में देवताओं की तृप्त करनी चाहिए। दही और दूध से विश्व देव को तृप्त करें और अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक अधर्वैतिक क्रिया करनी चाहिए। क्रोध तथा लोभ से रहित, क्रोध नहीं आना चाहिए इसमें। 10 दिन तक 15 दिन तक किसी के ऊपर क्रोध नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होनी चाहिए, हमेशा शरीर से निकाल करके रखना चाहिए। दे रहे हैं कि क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र रीति से जल श्राद्ध और वृक्षोत्सर्ग करें,
उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान, वो जो मैं 13 ही बताया हूँ, 13 ब्राह्मणों का भोजन पद दान करे, और सैया दान देकर प्रेत से के लिए घट का दान करे। सैया दान वही होती है जो ब्राह्मणी के लिए मैं लिखाया हूँ, खाट वगैरह आएगी, ठीक है। राजा ने पूछा, हे प्रेत, घट कैसे दान करे और घट किस विधि से उसका दान देना चाहिए? कैसे तुम जीव में परम दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेतवाच, प्रेत बोलता है, बोला, महाराज तुमने अच्छा प्रश्न किया है, मैं कहता हूँ आप ध्यान लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है, यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों को नाश कर देने वाला है और अच्छे संगति में ले आता है, शुभ कीर्ति प्रदान करता है। घट दान, तपाए हुए सोने का घट, सोने का घट कहाँ मिलेगा? इतना घट कहाँ मिलेगा सोने का? सोने का घट बनाकर ब्रह्मा, ईर्षा, केशव, लोकपाल, इंद्र एवं वरुण, कुबेर आदि का आह्वान करे, संयुक्त करे, फिर उससे घी दूध भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान करे। इस घट के दान से देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों को आवश्यकता नहीं है, एक घट दान ही सबसे बड़ा चीज है। घट के मध्य में ब्रह्मा तथा घट के नीचे विष्णु और घट के ऊपर शंकर जी का आवाहन होता है, वास होता है। वहाँ भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, लोकपाल पूजन करे। हे राजन, धूप फल और चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी का समेत भोजन करे और महापातकों को नाश करने वाला यह सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए राजन, प्रेतत्व दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए। कौन दान? घट दान। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप, इस प्रेत से, प्रेत के साथ सब राजा बात कर रहा था, उसी समय उस राजा का सेना वहां आ गई। राजा अकेले बात कर रहा था, वहां उसी समय पर राजा का सेना ढूंढती हुई राजा के पास आ पहुंची। सेना के आ जाने पर राजा ने महामणि देकर और नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुँच कर प्रेत कथनानुसार हे गरुण, राजा ने अधर्गतिक विधि की और उस प्रेत के लिए सभी श्राद्ध किया और उसके पुण्य देने से वह प्रेत योनि से छूटकर स्वर्ग लोक को चला गया। कौन? प्रेत जो राजा को जंगल में मिला था। दूसरे के दिए दान से भी प्रेत की मुक्ति हो जाती है तो अपना पुत्र पौत्री बधू अगर दान देंगे तो क्यों नहीं मुक्ति होगी? इस पवित्र इतिहास को जो सुनेगा और जो कहेगा वह दोनों पापी होने पर भी पाप से मुक्त हो जाते हैं इस कथा को सुनने से, जो भी मैं सुनाया हूँ आपको। इससे मेरा भी उद्धार होता है, आपका भी उद्धार होता है। मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अब आप फूल चढ़ा दीजिए भगवान को, माता जी सामने। यह अध्याय खत्म हो गया। सुकृति मम कर्तव्याम यथा पुत्र थाम च कथयम प्रभु। गरुण जी कहते हैं कि हे प्रभु, सुकृतियों के इस लोक की सुवर्ण संपूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए, जिस प्रकार पुत्रों द्वारा करनी चाहिए, पुत्र को कैसे क्रिया करनी चाहिए, वो सब सगति बताइए कि पुत्र को कैसे क्रिया करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, सुकृत लोगों को चाहिए कि वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखकर तथा ग्रहों को अपने प्रतिकूल समझकर और प्राण के शब्द सुनकर अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह न सुनाई देने पर जान ले कि अब मैं मरूंगा, मेरा जाने का समय आ गया है। कानों को जो बंद कर ले, आवाज़ सुनाई न दे, तो उसको समझ लेना चाहिए कि मेरा अब जाने का समय
आ गया है। जब मरने का आतुर काल आवे तब स्नान करके शालिग्राम रूपी विष्णु का पूजन करावे। शालिग्राम जी की जानते हैं काले काले मूर्ति होती है, वो शालिग्राम जी को स्नान कराना चाहिए। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी धूप दीप और बहुत से लड्डुओं का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र का या द्वादश मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र क्या है? नमो नारायण, ये आठ अंक से। द्वादश अक्षर का क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो है द्वादश अक्षर है, बारह अंक का है, अलेवन अंक का है। तथा विष्णु और शिव जी के नाम को जो जपे तथा श्रवण करे, क्योंकि भगवान का नाम कानों में सुनाई देने से पापों को नष्ट कर देता है। भाई बंधुओं को चाहिए कि मरने के समय में उसके पास जाकर विचार करें तथा मेरे भगवान के पवित्र नामों को उनके पास बैठ करके हमेशा स्मरण कराना चाहिए। उनके भगवान की का नाम ही उनके पास बैठ करके बोलना चाहिए, उनके कानों में सुनाई देता रहे। मरते वक्त में भगवान का अगर नाम आता है तो उस व्यक्ति का उसी समय सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मत्स्य कुरकम कच्छपा अवतार बारह नरसिंह, भगवान कितना अवतार है? मत्स्य कुर्म कच्छपा अवतार बारह नरसिंह बामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण बुद्ध और कलंकी, इन दस नामों को बुद्धिमान तथा हमेशा स्मरण करते रहते हैं वही बंधु कहे जाते हैं जो रोगी के पास जाकर इन नामों का उच्चारण करे। उसी आदमी को माना जाएगा भाई भाई है बंधु है। और जो हम कार्य के लिए ही न जाए सुनाए ही भगवान को तो क्या माना जाएगा भाई है बंधु क्या है, इसलिए ऐसे को माना जाता है। जिसकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है उसके सैकड़ों पाप हमेशा नष्ट होते रहते हैं। भगवान का नाम लेता हुआ अजामिल भी वैकुंठ धाम को चला गया था। अजामिल नाम का एक व्यक्ति था और उसका जो है तीन विवाह हुआ था और उसके पास दस पुत्र थे। छोटे पुत्र का नाम था नारायण, अपने छोटे पुत्र का नाम क्या रखा था? नारायण। वो हमेशा अन्याय ही करता था, दारू पीता था, तमाम उटपटांगका में करता रहता था, भगवान कभी नाम नहीं लेता था। एक दिन भगवान धर्मराज के दूत जब उसके पास आए तो उस डर के मारे अपने बेटे को बुला रहा है कि नारायण बेटा दौड़ो, नारायण दौड़ो, मुझे मारने आए हैं। नारायण 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 शब्द कहते हुए वो चिल्लाने लगा। तो उस समय पर आकाशवाणी हुई कि मैं आ रहा हूँ, पार्षद भगवान के पार्षद बोलते कि मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। भगवान के पार्षद वहाँ आए और धर्मराज के दूतों को हटा दिया। धर्मराज के दूत कहते हैं कि देखो इतनी बड़ा चिट्ठा निकला कि पूरा हमेशा गलत काम किया है इसने, आप इसको वैकुंठ धाम कैसे ले जाओगे? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि मरते वक्त में इसने हमारा नाम लिया है, प्रभु का नाम लिया है, इसलिए सब मोक्ष हो गया, अब इसको तुम नहीं ले जा सकते हो, मैं भगवान के धाम ले जाएगी। तो मरते वक्त में अगर भगवान का नाम आ जाए तब पर भी व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। जन्म जन्म मन जतन कराही अवंत राम कही आवत नाही, सारी जिंदगी देवता जो है जतन करते हैं तब पर भगवान का नाम नहीं आता है। हे पक्षीराज गरुण, भगवान कहते हैं हे पक्षीराज गरुण, हरि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने वाली जितनी शक्ति है उतना किसी में नहीं है। भगवान हरि का हमेशा नाम लेना चाहिए। पापी मनुष्य उतने पाप करके जो समर्थ नहीं है, दूतों से यमराज कहा जाता है कि नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया करो, परंतु भगवान के नाम लेने वाले को हमारे पास मत ले आया करो।
ऐसा क्यों कहा? धर्मराज जी बोलते हैं अपने दूतों से कि जो भगवान का नाम लेता है उसको हमारे पास मत ले आना, कभी जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है नास्तिक है उसी को पकड़ के हमारे पास ले आया। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिला वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। क्योंकि मैं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव श्री गोपी वल्लभ और जानकी नायक श्री रामचंद्र को भजता रहता हूँ, इसलिए ऐसे भक्तों को हमारे पास कभी मत ले आना, नहीं तो भगवान हमको दंडित करेंगे, ऐसा धर्मराज कहते हैं। फिर क्या कहा? कमल नयनम वासुदेवम विष्णुधरलाचित शंख चक्रम भवतारणम तीर्थम एव तजम भक्तम दृणेतान पापम। हे दूतों, जो कमल नयन वासुदेव विष्णु और धरोधर अच्युत शंखपाणी शरण वत्सल भगवान का नाम लेते रहें उनको हमारे पास कभी मत ले आना, उन मनुष्यों को भगवान के पास ही जाने का आज्ञा है, हमारे पास आने का आज्ञा नहीं है। फिर धर्मराज क्या कहते हैं? तनानय महमतो विषमुखा मुकुंदम पादरविंदम कमरवंदम निष्कये मरम हंसकुले रसगंगे गृहे निर्वसिताम विधृणाम। आकंचित और भगवान भक्ति रस के जानने वाले परमहंस कुलों से सदा सेवित श्री भगवान के चरण कमल में अनुराग पराग विभूति तथा नरक के मार्ग से तृष्णा रखने वाले सज्जनों को हमारे पास मत ले आया करो। ऐसा धर्मराज दूतों से बोल रहे हैं, जिस जीव भगवान के नाम और गुणों को नहीं कहती है, जिसका चित भगवान के चरण बिंदुओं में नहीं रहता है, जिसका सिर भगवान के लिए नहीं झुकता है, उन उत्कंठा विमुख सज्जनों को हमारे पास ले आया करो जो भगवान के हमेशा भक्त न करते। ऐसा कहने पर पक्षीराज गरुण इस कारण से जगत में मंगल रूप भगवान का कीर्तन बड़े भारी पापों को नष्ट कर देता है। भगवान से विमुख दुख बुष्टि बुद्धि वाले को लिए प्राश्चित भी पवित्र नहीं कर सकता है। जैसे मंदिरा के घड़े को गंगा आदि नदी पवित्र नहीं कर सकती है, मंदिरा रखा हो शराब रखा हो उस बोतल में गंगा जल डाल का पवित्र हो जाएगा? कभी नहीं पवित्र हो सकता है। कृष्ण भगवान के नाम लेने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वह नरक यमराज और यम के दूतों को कभी स्वप्न भी नहीं देख सकते, इसलिए हमेशा भगवान राम भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करना चाहिए। समय में अपना कार्य भी करते रहो और मन में भगवान के नामों को रटते रहो, यही भक्ति है। कोई जरूरी नहीं तुम्हें मंदिर में जाके बैठ के आसन लगाना पड़ेगा तभी भक्ति आएगी। भगवान तो सोते भी नाम लेते रहो, जागते भी लेते रहो, बोलते चलते भी लेते रहो, सब पर भी आते हैं। इसलिए पाप समूह के नाश करने वाले भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण करें और भगवत गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा श्रवण करें। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान का चरणामृत भगवान के लिए नाम स्मरण समय में मुक्ति देता है। तदंतर घृत और स्वर्ण के साथ अन्न का संकल्प करें और वेद पाठी ब्राह्मण के लिए बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए और अंत में समय आने पर मनुष्य थोड़ा सा बहुत से कुछ दान देना चाहिए। गरुण वह स्वयं से जाता है, यदि वह दान पुत्रों के द्वारा अधोगति अन्य समय में पुत्रहीन को चाहिए कि पिता के सब दान दिलावे। पिता जो है पिता के लिए पुत्र को सारे दान दिलाना चाहिए। इस समय के लिए धर्म के संसार में पुत्र की चाहते हुए भी अंधी आँख मिचते हुए भी पड़े हुए पिता को देखकर पुत्र को पिता के पूर्व संचित धन से तृष्णा नहीं करनी चाहिए। पुत्र पिता का जो संचित धन है उसमें से दशांश भाग, माता पिता का जो धन रखा हुआ है उसमें से दशांश भाग
दशांश समझ रही है? 10% का मतलब है कि 100 में 10% 100 में 10 10% दान करना चाहिए, कृत में लगाना चाहिए। वे अष्टादश ये है कि तिल, तिल लोह सोना कपास रुई नमक सतजन भूमि और गौ, इनमें एक से एक पवित्र है, इन सभी में से कोई न कोई दान जरूर देना चाहिए, एक से बढ़ के एक पवित्र है। महापापों का नाश करने वाले 8 महादान अंत काल में देना चाहिए, इनका जो फल है उसे सुनिए। भगवान कहते हैं कि इसका फल क्या है, मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल हैं। भगवान के बराह रूप धारण किया था तो उस समय हिरण्यकश्यपु से, हिरण्याक्ष से जो युद्ध हुआ था तो भगवान के शरीर से जो पसीने गिरे थे उससे काला तिल सफेद तिल पैदा हुआ था। अब भगवान का बराह रूप शुक्र रूप था तो जो रोए गिरे हुए थे उससे जो आपके घड़े में काश लगी हुई है कुश और काश उत्पन्न हुआ था, इसलिए बहुत पवित्र होता है, हमेशा शुद्ध होता है। इसका दान देने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल सफेद काले और कपिल भूरे रंग के होते हैं। दान करने से ये तिल वचन मन और शरीर से संचित 3 प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। वचन माने बोलना, मन माने मन में जो सोच लिया गया अरे यार ऐसा है, किसी से बताया नहीं, वो भी पाप लगता है। अब बोलने से जो पाप लग जाता है, अकी हुए पाप जो रहता है, ये तीनों दान करने से सब नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं यमराज के हथियारों की प्रसन्नता के लिए इन दान कहा गया है कि इसी कारण से यमलोक में लोह का दान सुख देने वाला होता है और उर्ण का श्याम सुडावल कंबुल और शेषलंब महायलंब लोहवल्य दुख देने वाला, ये सब कट जाते हैं। गरुण परम भगवान के धर्मराज के दंड है जो भी नाम लिया ना, उर्ण श्यामलोत्र सुडामुख उर्वुल सेवल महावल यमलल लोहदान से एक दंड नहीं मिलते हैं। फिर जिससे धर्मराज दंड देते हैं मारते हैं ना, फिर तीनों प्रकार के चीज़ों से मार नहीं सकते हैं जो दान मिल जाता है। हे गरुण परम गुप्त सब दानों में उत्तम दान को सुनिए, उस दान के देने से भूमि लोक भूलोक स्वर्ग लोक निवासी संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म आदि देवता ऋषि लोग और धर्मराज की सभा में के सभासद ये सब स्वर्ण दान से प्रसन्न होकर वरदायक होते हैं। सारे दान में उत्तम दान क्या है? स्वर्ण दान, सोना का दान कुछ जरूर करना चाहिए। इससे प्रेत की मुक्ति के लिए सोना का दान देना चाहिए। हेता सोने के दान से यमलोक में न जाकर प्राणी स्वर्गलोक में जाता है और बहुत दिन तक सत्यलोक में बसकर फिर इस लोक में आ जाता है, न कि धर्मराज के नगरी में जाता है। इसमें सोने का दान जरूर करना चाहिए। रुई के दान से दूतों का भय नहीं होता है। नमक का दान देने से यमराज के दूतों का भय नहीं होता है। लोह नमक रुई तिल और सोना का दान देने से यम लोक में रहने वाला चित्रगुप्त अति प्रसन्न होता है, कभी आपके कर्मों को धर्मराज से नहीं बताता है। सतनाज को दान देने से धर्मध्वज तथा अन्य तीनों द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान जौ गेहूं मूंग उड़द काकू और सतनाज का दान देने से सब पित्र तर जाते हैं। सुपात्र विधि पूर्वक गोचर्म का बराबर पृथ्वी का दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से पाप से छूटकर पवित्र हो जाता है। यह मुनीश्वरों ने दिव्य दृष्टि से देखा है। राज्य में किया हुआ पाप व्रत तीर्थ यात्रा और अन्य दानों से नष्ट नहीं होता है, किंतु भूमि दान देने से सब नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य धान्य से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान देता है वह देवता और देवताओं से पूजित इंद्रलोक को जाता है। हे गरुण अन्य दान थोड़े फल देने वाले हैं, किंतु पृथ्वी दान का फल दिन दिन बढ़ता रहता है, घटता नहीं है।
जो राजा होकर ब्राह्मण को पृथ्वी का दान नहीं देता है वह जन्म जन्म में दरिद्र हो जाता है। राजा होने के अभिमान से जो भूमि का दान करता है वह सब तक नरक में बसता रहता है जब तक शेष जीव पृथ्वी को धारण कर रखे हैं। इसलिए भूमिपति को निर अभिमान भूमि दान देना चाहिए। अन्य लोगों के लिए भूमि दान की जगह मैंने गौदान कहा है। राजा के अलावा और जातियों के लिए और कोई जो है उनके लिए गौ का दान करना चाहिए। इसके पश्चात अंत धेनु, रुद्र धेनु, ऋण धेनु, मोक्ष धेनु और वैतरणी धेनु में पांच प्रकार के गौदान शेष विधि के साथ देने चाहिए। गौ का दान तीन प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, यौवन अवस्था में, तरुणावस्था में, बुढ़ापे और जन्मांतरों में जो जो पाप किए हैं तथा रात्रि में, प्रातः काल, दिन में, मध्याह्न में, अपराह्न में, संध्याओं में, उदय काल में और जो शरीर से, मन से या वाणी से पाप हुआ है वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो सब पाप तपस्वी और वेदों के जानने वाले ब्राह्मण को सब सामग्री सहित सत्वात्मा दूध वाला कपिला गाय को दान देना चाहिए। स्वच्छित से एक गौदान देने से जो फल मिलता है वही आतुर समय में 100 गौदान देने से फल मिलता है। और तथा मरने के बाद विधि पूर्वक 100,000 गौदान देने से जो फल मिलता है तीर्थ में सत्पात्र को एक दान देने से भी उतना फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण वेद पाठ और नित्य होम करने वाला तथा दूसरे का बनाया नहीं खाता है वह रत्नों से भरी पृथ्वी का दान दे लेकर भी प्रतिग्रह के दोष से लिप्त नहीं होता है। शीत और विष को नाश करने वाले मंत्र और अग्नि का कभी दोष भागी नहीं होता है। और गौ कुपात्र को दान देने से दाता को नरक में हो जाना पड़ता है। कुपात्र सुपात्र मतलब समझ गए हैं। जैसे जो ब्राह्मण नहीं है झूठे ब्राह्मण का भेष बना चंदन लगा के दान देता है। अब आप जानते हो कि ब्राह्मण नहीं है आप जाकर उसको दान दे के आते हो तो दान देने वाला भी नरक में चला जाता है। तथा लेने वाले की बात छोड़ो, लेने और तथा देने वाले के 100 कुलों को नरक में गिरा देता है। अपना कल्याण चाहने वाला विद्वान कुपात्र को गौदान न दे। एक गौ एक ही को देना चाहिए, बहुत से एक को नहीं देना चाहिए, एक कई बार देना चाहिए। बांटी हुई गौ 7 पीढ़ी तक कुल को भस्म कर देती है। इसलिए गाय एक कई आदमी की देना चाहिए, उसी गाय को बार बार दान कई आदमी को नहीं करना चाहिए। मैंने तुमसे पहले जो वैतरणी नदी कही थी उससे पार उतारने वाला गौदान तुमको कहता हूँ। लाल अथवा काली वर्ण की गाय को सोने के सिंह, चांदी का खुर और आभूषण आदि से सजाए तथा कांसे की दोहनी, उस गौ पर 2 काले वस्त्र उड़ावे और गले में घंटी बांधे, फिर रुई पर पवित्र सहित तांबा का कलश रखकर और उस लोहे के दान सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी के भरा हुआ कांसे की कटोरी स्थापना करे। इसके बाद विधि विधान से पूजन करे। पूजन करके फिर गाय का दान करना चाहिए। यह अध्याय बहुत बड़ी थी। इस एक की नाव बनाकर उस पर रेशम के तागे लपेट दे और खुदे हुए गड्ढे में जल भरकर उसमें नाव को छोड़ दे। सूर्य की देह से उत्पन्न गौ की उत्पन्न खड़ी करके शास्त्र की विधि से संकल्प करे तथा ब्राह्मण को आभूषणों सहित वस्त्रों को देवे और फूल रोली अक्षत आज से विधि पूर्वक उसकी पूजा करे। हाथ से गौ की पूंछ पकड़कर और पैर को नाव में रख ब्राह्मण को सामने करके यह मंत्र पढ़े। कौन सा? भवसागर गमना लोक कामो तपिनांखिताम त्राता चयिताम जगन्नाथ शरणार्थम।
विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ मामा शुद्धर महेश्वरम दक्षिणामयाम दंता लोकनहम। हे जगन्नाथ भगवान संसार रूपी शोक संताप में डूबे हुए और मनुष्यों के सुख ही रक्षक हो। हे विष्णु, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैंने तुम्हें बैतनी को गौदान दिया। यमलोक के मार्ग में जो सयोजन चौड़ी भयानक बैतनी नदी है, पार करने के लिए तुम्हें यह बैतनी गौ को मैं देता हूँ। हे धनु की देवीश, यमराज के बड़े मार्ग में मुझे तारने के लिए मेरी दान देखना। बैतनी रूप तुमको नमस्कार है। गौओं में आगे ही भगवान के पीछे भी गाय का स्वरूप ध्यान करते हुए वह प्राणी उस बैतरणी नदी को पार कर लेता है। इस मंत्रों से हाथ जोड़कर गौ और धर्मराज की प्रार्थना और परिक्रमा करके कलश आज सब वस्तुओं को देवे। हे गरुण, इस विधान से जो बैतरणी का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाकर प्रतिष्ठित होकर के बैठ जाता है। यदि शरीर स्वस्थ हो तो बैतनी का व्रत करे और उस नदी से पार होने के लिए वेद पाठी के गौ दे। हे गरुण, गौ के दान से महामार्ग से वह नदी नहीं आती है, इसलिए सदा पुण्य समय में गौ का दान अवश्य करना चाहिए। गंगा आज सब तीर्थों में, ब्राह्मणों की बस्तियों में, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों में, संक्रांति में दिन अथवा अमावस्या के दिन, दक्षिण और उत्तर एनियों में, विशुक संक्रांतियों में, युगादि तकियों में और सब पूर्ण समायों में उत्तम गोदान करना चाहिए। जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए उसी पुण्य काल में, क्योंकि तपस्वी स्थिर नहीं रहते, वो चलते रहते हैं। स्थिर और व्यतीतपात से नहीं है, विभव भी सदा नहीं रहता एवं मृत्यु नित्य नित्य पाप रहित होती है और आगे बढ़ती हुई चली जाती है। स्वचित अनुसार किया हुआ दान अनंत होता है और कल्याणमयी इच्छा वाले ब्रह्मलोक को दान में अवश्य प्राप्त होता है। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अक्षय होता है तथा तत्काल ही फल प्राप्त करता है। दान रूपी राजा दान रूपी राह का खर्च रखने वाला महामार्ग है। एम मार्ग में सुख से जाता है, अन्याय राह खर्च से रहित मनुष्य मार्ग में क्लेश पाता है। भूमि पर मनुष्य जो दान नहीं करता है यमलोक में मार्ग में वह आने वाले को प्राप्त नहीं होता, दुखदायी होता है और दुख भोगता हुआ धर्मराज के नगर में जाता है, परम गति को पाता है। मनुष्य धर्म को जानकर दुख से संसार में आता जाता रहता है, केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। अगर अच्छे से अपना सेवन करे तो उसका जो भगवान कल्याण कर देते हैं। धन पुत्र स्त्री भाई बंधु और शरीर से सब अनित्य है, अतः धर्म करना चाहिए। भाई और माता पिता सब तक ही जब तक मनुष्य जीता है, मरने के बाद क्षण मात्र में स्नेह व्यतीत हो जाता है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है यह बार बार जानना चाहिए। जीते हुए ही यह विचार करके मरने के बाद कौन देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब दान करना चाहिए। सब हमेशा दान करने करते रहना चाहिए, का पता कौन देगा कौन नहीं देगा मरने के बाद। काठ तथा कंकड़ पत्थर से समान मरे शरीर को धरती पर छोड़कर सब भाई बंधु मुंह मोड़कर चले जाते हैं, केवल धर्म ही सांस जाता है। धन तो घर के सांस छोड़ देता है और भाई बंधु शमशान के पास जाकर के छोड़ देते हैं, किंतु किया हुआ शुभ अशुभ कर्म आपके साथ जाता है। मनुष्य जैसे शुभ और अशुभ कर्म करता है वैसा ही सर्वत्र भोगता है। इस दुख से भरा संसार सागर में कोई किसी का भाई नहीं है। कर्म के संबंध में प्राणी संसार में आता है, अकर्म का क्षय होने पर संसार से चला जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और स्त्री आदि का संगम पौशाला में आने वाले जाने वाले के समान तथा नदी में काष्ठ के समान चलायमान है। किसके पुत्र और
किसके पौत्र, किसकी स्त्री अथवा धन है। संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए जो देना हो वो अपने हाथों दान दे लो, अंत में कुछ नहीं रहेगा। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ही ब्राह्मण को दिया जा सकता है, और जब दूसरे को हो जाएगा तो आप दान नहीं कर सकते हो। पूर्व जन्म में किए हुए दान से यहाँ बहुत धन मिल जाता है, इसलिए ऐसा कर धर्मात्मा लोग हमेशा दान दिए जाते हैं, करते रहते हैं। धर्म से कामना पूर्ण होती है और धर्म से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। श्रद्धा से धर्म धारण किया जाता है, और बहुत से धन समूह से धनहीन भी मनुष्य लोग श्रद्धा से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो मनुष्य पत्र फूल फल और जल में मुझे भक्ति से देता है, उसी का पवित्र आत्मा भक्ति से दिया हुआ भोजन करता है। इससे विधिपूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए, थोड़ा हो अथवा बहुत हो दान करना चाहिए। जो पुत्र आतुर भय से भूमि में पिता के सांस से दान दिलवाता है, वह धर्मात्मा पुत्र किसी देवता से पूजित हो जाता है। जो पुत्र माता पिता के निमित्त सुपात्र को दान देता है, वह पुत्र पौत्र और पपौत्र से अपनी आत्मा को भी पवित्र कर लेता है। पिता को दान देने से 100 गुना, माता को दान देने से 1000 गुना, भगनी को दान देने से और गौ देने से अथवा अच्छे फल होता है, और देने वाले को न तो उपद्रव होती है, न नरक होता है, न यातनाएं होती हैं। मरने के उपरांत यमदूत साक्षात धर्मराज के नगर मिल जाते हैं और उनको अच्छे स्वभावों में बैठाया जाता है। जब तक उनका पुण्य रहता है तब तक वो धर्मराज के उत्तर नगर में बैठे रहते हैं। जब उनका पुण्य नष्ट हो जाता है फिर मनुष्य लोक में आते हैं। शापोद्धारे आतुर्भयम् नाम अष्टमो अध्याय। चलिए अब कल करेंगे। अभी कितने पढ़ते हैं? ये ज्यादा बड़ा अध्याय था ना, ये 2 का था, ये अभी तक छोटे पढ़ेंगे। ये भी छोटे ही है, ये भी छोटे हैं, कल 3-4 हो जाएगा इतने समय में। अभी 8 हो गया, 9वां चलेगा। 8 हो गए, वो तो हो जाएगा। कितने दिन? 3 दिन। ये आज कई दिन हो गया? 7 दिन हो गया। नहीं, आज चौथा दिन है। 8 दिन हो गया। एक दिन नहीं होगा, 3 दिन में से पूरा कर देंगे, हो जाएगा। वो तो अपने हाथ में, 1 घंटा और बचना पड़ जाएगा, 1/2 घंटा और बचना पड़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के रखा। लेकिन एक है बहुत बड़ा था ना, 118 श्लोक है इसमें। अब छोटे छोटे अध्याय है, तो कल 3 कर देंगे, 12 पहुंच जाएगा, परसों कर देंगे। कल 3, कल बुधवार होगा, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन है मेरे पास समय। अभी 8 है, कंप्लीट 8। हाँ, 9 है, 8 है ना, कल 6, आज 2। 3 दिन, अच्छा, सो टोटल 16 है। 2, 8, टोटल 16 है। हाँ, टोटल 16। फूल लीजिए, फूल चढ़ा दिए, नमस्कार करिए, अब चिन्ह लगा लेता हूँ, अब कल फिर शुरू करेंगे। 3 दिन समय है, हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि इससे आधा अधिक हो गया ना। ये ना ना, वो आ जाएगा। जय हो ठाकुर जी। कल 3 अध्याय कर लेंगे, परसों 3 कर लेंगे, 6 हो गया, 2 अंतिम में कर लेंगे। 6 2 8, 8 2 16, 8 हो गया है। 6 6 2।
कृष्ण।